73 साल गई। भाई मेरी उम्र 5073 साल है, क्योंकि मैं एक 5000 साल पुरानी भारतीय सभ्यता का वारिस हूं। गैरों से मिलना तो खैर मुमकिन है, अपनी हस्ती से मुलाकात बहुत मुश्किल है। सही बात यह है कि अपनी हस्ती से मिलना बहुत मुश्किल ही नहीं बल्कि बड़ी बेढंग चीज है। उसकी वजह यह है कि जिंदगी तो सापेक्ष होती। सापेक्ष का मतलब यह कि सिर्फ जिंदगी मेरी नहीं है, मेरे अपने वक्त की है, मेरे अपने अनुभवों की है, मेरे प्रसंगों की है और मेरे चारों तरफ की जिंदगी। और यही अनुभव तो लेखक को लेखक बनने के लिए मजबूर करते हैं। मैं जब 3 साल का था तो मेरे पिताजी का देहांत हो चुका था। मुझे अपने पिताजी की बिल्कुल याद नहीं। मैंने उन्हें सिर्फ तस्वीरों में देखा है या घर की यादों में। तो वो वक्त बहुत ही अकेलेपन का था। बड़ा सा घर था, हवेली रुमा, उसमें मैं अपनी माँ के साथ अकेला रहता था। वैसे तो अब 7 भाई थे, सबसे बड़े और मैं सबसे छोटा, और हमारे बीच के 5 भाइयों का देहांत हो गया। तो बहुत ही अकेलापन और सन्नाटा मेरी जिंदगी में पीछे भी था और आगे भी था। जब मैं 10वीं क्लास के आसपास था, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उसके लगभग बाद की बात है कि क्रांतिकारी पार्टी के लोग मेरे अपने शहर मैनपुरी में आते थे। तो वहाँ पर योगेश चटर्जी और उसके सेक्रेटरी क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के केशव मिश्र जी ये आए थे, मेरी माँ से मिले थे और मेरी माँ ने दान में मुझे इन्हें दे दिया था। मेरा काम यह था कि मैं विद्याचल पहाड़ी की तराई में वहाँ रहता था और क्रांतिकारियों के खत पहुँचाने का, उनके पत्र पहुँचाने की मैं कोशिश किया करता था। कमलेश्वर की पहली कहानी फरार 1946 में छपी। बहरहाल उसके बाद जो इलाहाबाद के दिन हैं वो तो अद्भुत दिन हैं, क्योंकि इलाहाबाद जैसा शहर कहीं नहीं मिल सकता। गंगा जमुना का संगम वहां तब भी ऐसा ही था जैसा कि आज है, मगर तब उसमें बहती सरस्वती की धारा विलुप्त नहीं थी, इलाहाबाद के हर कोने में बहती थी। वहां अमृत कुंभ की बूंदें वर्षों में नहीं सुबह शाम बिखरती थीं। तब कवियों और लेखकों की प्रख्यात पीढ़ी वहां बसती थी। उन्हीं दिनों कमलेश्वर ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया और नई कहानियों के आंदोलन से भी जुड़ गए। एक तरह से हम ये कहेंगे कि प्रेमचंद का छूटा हुआ सामान्य आदमी एक बार फिर नई कहानी के दौर में मेरे तमाम समकालीन लेखकों ने पेश किया और उसकी पूर्ति भी की और उसको उसका विकास भी किया, क्योंकि उसकी दिशाएं बहुत ज्यादा विकसित होती चली गई। की जो जिंदगी है, खासतौर से मेरा अपना छोटा सा कस्बा, इसके अलावा भी वो बड़े शहर जहाँ मैं रहा, चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे वो दिल्ली हो, महानगर हो, मुंबई हो, लेकिन कहीं कुछ भी बदलता ही नहीं। सड़कें बदलती हैं, टूट जाती हैं, फिर बन जाती हैं, लेकिन आदमी की जिंदगी अगर एक बार टूट गई तो फिर वो नहीं बनती। तो ये जो सामाजिक रुका हुआ परिवर्तन का जो एक चक्कर है कि परिवर्तन होता ही नहीं, बातें बहुत, तब मुझे बड़ी तकलीफ होती है और मैं निश्चित रूप से
अपने भीतर की घुटन, वो घुटन कोई व्यक्तिगत नहीं है मेरी, मेरे अपने समय की घुटन है। और जब देखता हूँ कि कुछ बदल नहीं रहा है तो मुझे लगता है कि लिखूं और आज की सच्चाई को, यथार्थ को लिखूं। यही वजह है मेरे लिखने की। आपके पात्र कहाँ से और किस वर्ग से आते हैं? पात्र कहाँ से आते हैं? ये तो पात्र तो इसी दुनिया से आते हैं, लेकिन सही बात यह है कि मैंने कभी भी किसी खास पात्र को जो जिंदगी में देखा उसे लेके कहानी मैंने कभी नहीं लिखी। मेरे पात्र एक तरह का समुच्चय है। समुच्चय मतलब बहुत से पात्रों के दुख दर्द, उनकी तकलीफें, उनके सवाल मिलके शायद एक पात्र बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पात्रों का जो सोचना है, जो कुछ उन तमाम 5-7-10 लोगों ने मिलकर सोचा होगा, जो मैं सुनता रहा हूँ, जो मैं अनुभव करता रहा हूँ, वही मिलके मेरे लेखन का कथ्य भी बन जाता है। इसलिए मैंने कभी अपने विचार अपने पात्रों पर लादे भी नहीं, उन्हीं के विचारों को पेश करने की कोशिश की। सोना पतारी का झुंड रात भर चारा खाकर उड़ने ही वाला था कि एक गोली उस पार से छूटी और उड़ते सोना पतारी के झुंड में से एक पक्षी तिलबिलाकर छप से झील के बीचों बीच गिर पड़ा। उसके सोने से पंख पानी पर छितरा गए और नीली झील के खामोश पानी पर एक हलचल हुई। उसके नरम पर फड़फड़ा रहे थे और पानी पर खून की लकीर उसका पीछा कर रही थी। उसका मन उचाट हो गया। पार्वती की याद उसे फिर आई और नीलाम वाले दिन उसने 3,000 की बोली लगाकर चबूतरे के पास वाली जमीन नहीं, दलदली नीली झील खरीद ली। लोगों की आंखें फट गईं। इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मंदिर का नाम लेकर इसने धोखा दिया है, रुपया हजम कर गया है, लेकिन उसने किसी